जी, इस जगह को वैसे कुष्ठ पुनर्वास सेवा समिति बोलते हैं, कुष्ठ रोग आश्रम हुआ है। आपको भी कुष्ठ रोग हुआ? जी, कुष्ठ रोगी कैसे भी धर्म से देवता पूछते हैं, हमको पता ही नहीं चला और मेरे हाथ खराब हो गए। बीच में हम इतने परेशान हो गए थे, हमने ये रोटी बैंक की स्थापना कर दी थी सर यहाँ पर, कि रोटी बैंक हम लोग बनाएंगे और जो है हमको बाहर से के लोग आके हम खाना वगैरह दें तो हम वहाँ से ला करके इन लोगों को खाना वगैरह खिलाएंगे। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे महामारी का दौर कहते हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसने सारी दुनिया में हाहाकार मचाया, लोग परेशान हुए और एक नए पक्ष से सब लोग रूबरू हुए। जब हम एक दूसरे को छूने से डरने लगे, हम एक दूसरे के साथ मिलने से डरने लगे, वो एक बीमारी का डर है जो 21वीं सदी के लोगों को महसूस हुआ और उन्हें पता चला कि बीमारी के वक्त इंसान का व्यवहार किस तरह से बदलता है। ऐसी एक बीमारी हुआ करती थी, अभी भी है, जिसको हम अंग्रेजी में लेप्रोसी और हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। हम अभी हैं अल्मोड़ा में, आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप, और अल्मोड़ा के इस इलाके को कहा जाता है ढूंगाधारा। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला कि इस इलाके में कुष्ठ रोगियों को यहाँ बसावट है उनकी। उनका एक बहुत पुराना इतिहास है अल्मोड़ा में। सर हेनरी रैमजे, एक ब्रिटिश अधिकारी ने सन 1835 में एक लेप्रोसी असाइलम की शुरुआत की और वो यहाँ से कुछ दूर करबला नाम की जगह पे है। और उसके अलावा इस जगह का एक ख़ास इतिहास है जो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ इस एनजीओ को चलाने वाले उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ पहले बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र आर्य है। राजेंद्र जी, थोड़ा सा मुझे बताइए क्या जगह है, क्या एनजीओ है? जी, इस जगह को वैसे कुष्ठ पुनर्वास सेवा समिति बोलते हैं, कुष्ठ रोग आश्रम हुआ है ये। इसका इतिहास ये है सर, पहले मिशन हॉस्पिटल करबला था तो वहाँ से लोग जो है इलाज करने के बाद जिनके हाथ पैर डैमेज हो जाते थे, थोड़े बहुत भी घर वाले नहीं अपनाते थे, तो वो लोग यहाँ गुजर बसर करते थे। सामने गुफाएँ थी, वो छोटे छोटे पत्थर ला करके बिल्कुल जिस मुर्गी के दड़बे की तरह बना करके उसके अंदर रहते थे और भीख मांग के अपना गुजारा करते थे उस समय। आपने गुफाओं की बात की जी, अगर कैमरा पे हम दिखा पाएंगे तो कुछ गुफाएं बनी हैं सामने पहाड़ पर। हाँ, कुछ ऊपर से ये बनने के बाद जो है पहाड़ गिर गए थे तो इसलिए वो जो है दब गए हैं। ये पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक धर्मशाला रहता था जो अनोखे लाल जी के पूर्वजों ने बनाया था, जिसमें उस समय आकर के ये भोटिया लोग आकर के यहाँ व्यापार करते थे। इसको हुनिया थल कहा जाता था यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पर व्यापार करते थे, वो लोग यहाँ रहते थे, लेकिन जब से कुष्ठ रोगी लोग आए तो फिर वो लोग चले गए। तो कुछ लोग धर्मशालों में रहते थे, कुछ सामने कोई भी आ जाए तो सामने रह लेते थे। और क्योंकि ऐसा है, लेडीज़ को बीमारी लग गई और जेंट्स को बीमारी लग गई, अब लेडीज और जेंट्स आपस में जो है एक परिवार की तरह रहने लग गए थे, लेकिन उनके बच्चे नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये आफ्टर ट्रीटमेंट आते हैं, हम इनके साथ खाना खा सकते हैं, इनके साथ सो सकते हैं। हाँ, ये मैं भी बताना चाहूँगा, ये पूरी तरह इलाज कर सकने वाली बीमारी है। एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है सिंपल सा और उससे इलाज साध्य है। सही कह रहा हूँ मैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु एक स्टिग्मा बना हुआ है। तो आज से बहुत साल पहले की बात है, करीबन 35 साल पहले की बात है जो वो बता रहे हैं। पीछे गुफाएं थी और उन गुफाओं में लोगों को रहना पड़ता है, शहर से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर ये जगह है। उस समय यहाँ बसावट नहीं थी इस एरिया में, शहर बसा था केवल, लोग यहाँ आके रहते थे, भीख मांगने शहर जाते थे और उसके बाद जंगल में अकेले एक गुफा के तरह का नुमा यहाँ सामने पहाड़ पे जगह होती थी जहाँ वो रहते थे। सर, ये यहाँ पर अब बसावट है, ये घर बने हुए हैं, थोड़ा लकड़ी और शहर की तरह सीमेंटेड घर उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं, लकड़ी का काम हो रहा है, लोग पुराने बर्तनों को यूज़ कर रहे हैं। ये जगह किसने बनाई, कैसे बनी बता सकते हैं? जी हाँ, ये 1987 में उस समय तत्कालीन DM साहब थे केशव देसी राजू, जिनका हाल ही में शायद निधन हो गया है, तमिलनाडु में शायद कहीं हुआ है, वो देहरादून में सचिव भी रहे, तो उनका ध्यान पहले गया इस पे। तो उन्होंने देखा कुछ लोग चितई में भीख मांग रहे हैं, कुछ जो है कोर्ट के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बाज़ार में भीख मांग रहे हैं। तो उस समय एक लेडीज आई थी, श्रीमती मुक्ति दत्ता जी, मुक्ति दत्ता जी, मुक्ति दत्ता जी, तो उन्होंने उनको पकड़ा, उनसे कहा कि
एनजीओ के बारे में उन्होंने जानकारी दी, आप एनजीओ बनाइए, पहले फंडिंग मैं अपने फंड से करूँगा, उसके बाद आपको फंड लगातार मिलते रहेंगे, इन लोगों का जीवन जो है व्यापन अच्छी तरह करवाइए, इनको कुछ रोज़गार दीजिए, कुछ काम दीजिए, जिसमें कि सॉल बनाना, फीड बनाना, और चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, ये सब कुछ उन्होंने बताया उनको। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, जगह जगह गई, वो इन सबको जमा करा, और डीएम साहब से फंडिंग कराने के बाद जो है इनको राशन मुहैया कराया गया, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनाई गई जिसमें कि यहाँ चिकित्सा भी होने लग गई। तो ये पहला कदम उनकी तरफ से ही था। नीचे कार्यशाला बनाया गया, एक कार्यशाला ये थी। तो इस प्रकार ये लोग अभी कैसे जीवन यापन करते हैं आप बता सकते हैं? हम लोग कुछ लोगों से मिलना भी चाहेंगे, पर आप पहले ये बता दें कि जीवन यापन किस तरीके से जीवन यापन होता है। जी सर, उस समय मुक्ति दत्ता के जी के पास फंडिंग वगैरह थी, तो 2011 तक तो वो लोग चलाते रहे इसको किसी तरीके से। उसके बाद उनकी फंडिंग वगैरह बंद होगी तो उन्होंने यहाँ बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसके बाद कुष्ठ रोगी जो बुजुर्ग लोग हैं या किसी वजह से ज़्यादा बीमार हैं तो उनकी डेथ होने लगी, तो हमारे पास कोई फंडिंग वगैरह थी नहीं। तो ये नीचे आप जो गधेरा बोलते हैं हम लोग पहाड़ी में इसको, छोटे नाले होते हैं जो पहाड़ के बीच से गुजरते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको कहीं ले जाने के बजाय यहीं दफनाते थे नीचे आसपास में। तो इसमें जैसे धर्म के हिसाब से तो हिंदू भी रहे होंगे, मुस्लिम भी रहे होंगे, तो सभी को दफनाने की यहाँ पर जो है, क्योंकि सभी को दफना देते थे। हाँ, अभी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पास में एक शमशान स्थल है जहाँ जाया जा सकता है, तो क्या वहाँ क्यों नहीं ले जाया जा रहा? इस वक्त तो हमारे पास सुविधा है, हम जा सकते हैं, पैसों की भी प्रॉब्लम होती है, फिर ऐसा है हम लोगों के पास हाथ पैर वाले कम हैं, ये लोगों के मन में संयम बरता रहता है कि भैया विश्वनाथ हम लोग जाएंगे, गांव के लोग हैं, कोई पत्थर ना मारे, कुष्ठ रोगी लोग आगे, हमको बीमारी लग जाएगी इस वजह से, क्योंकि वो घर से डरे हुए हैं, पहले से मन में भय रहता है। अभी भी ऐसा होता है? अभी भी मतलब आप अब लगभग यहाँ पर सरकार का आयकर भवन है और ये इलाका अब काफ़ी हद तक शहर में इंक्लूड हो चुका है, यहाँ पर बड़े पक्के मकान है। क्या आसपास के लोगों का अभी भी वो एक कुष्ठ के प्रति वैसा एक रहता है? नहीं, अब काफ़ी कम हो चुका है मेरे टाइम पे, क्योंकि मेरी मदर खुद कुष्ठ रोगी थी। अच्छा। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं इन सबको अपने माता पिता की तरह देखता हूँ, तो मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त फंडिंग की हम लोगों के पास सख्त आवश्यकता है, कहीं से हम लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है। हमने क्या करा, चंदे की किताब छापी, हमने कहा हम बाज़ार से जो है चंदा इकट्ठा करेंगे और चंदा इकट्ठा करके जो है यहाँ जीवन व्यापन थोड़ा बहुत कुछ राशन पानी लाएंगे। तो नसीब अच्छा था, पहला चंदा की रसीद हम पहले ही रसीद कटाने के लिए श्रीमती शोभा जोशी जी की दुकान पर चले गए, जो चेयरमैन थी, तो उसके बाद जो है नगर पालिका की चेयरमैन, हाँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगी, ये रसीद काटना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा देखिए, ये हंस फाउंडेशन की तरफ से, भोले जी महाराज की तरफ से जो है, उनके साले जी जो है पद्मेंद्र सिंह बिस्ट्री जी को तुरंत यहाँ बुला करके उन्होंने जो है पर व्यक्ति को जो है लगभग 1300 रुपये का राशन मिलता है यहाँ पर, जो है लगभग जो है 35-36 राशन लगे हुए हैं उनकी तरफ से। तो उनकी तरफ से अभी इनका खाना पीना चलता है? हाँ, खाना चलता है, पानी का बिल काफ़ी आ गया है, लेकिन पानी का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, लाइट कई बार कट चुकी है, क्योंकि मैडम ने लाइट लगाने के बाद पहले जब फंड था तो वो देती थी, हमारे पास है नहीं, तो उस समय हम लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कभी विधायक जी के पैर पकड़ने पड़ते हैं, कभी सांसद जी के, किसी तरीके से फिर वो जुड़वा देते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल जो है परमानेंट व्यवस्था नहीं है। तो आपने देखा कि इनकी लोगों की स्थिति है, एक घर रहने का बना है, परंतु इस ज़माने में लोग बार बार परेशान हो कि लाइट कभी भी कट जा रही है, फिर आपको दोबारा नेताजी के पास जाना है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, सर यहाँ चलाते हैं इस एनजीओ को, यहाँ के प्रभारी हैं, नीचे शायद कुछ लोग हैं, हम मिल सकते हैं, अगर हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ बकरियाँ पाली हैं इन लोगों ने, गाय पाली हैं, भैंस पाली हैं, इस तरीके से जीवन यापन होता है। सर आपका नाम क्या है?
आप लोग आए कहाँ से हैं पहले ये बताइए जी। हम न्यूज़ चैनल से हैं। न्यूज़ चैनल से पदीराम है। पदीराम जी, पदीराम जी आप कुष्ठ रोगी रहे हैं? हाँ कुष्ठ रोगी हूँ। कैसे हुआ था आपको बता सकते हैं? ये हम कोई अनुभव नहीं होता है, वैसे हमने पढ़ा है कि कुष्ठ रोग जो है जो जीवाणु कमज़ोर होते हैं तब ये कीटाणु कुष्ठ रोग के बैठते हैं। बचपन में हुआ था आपको? किस उम्र में हुआ था? हो गया वैसे 20 साल की उम्र थी। 20 साल की उम्र में? उस समय में यहाँ करबला में आ गया था सन 1978 में। सन 1978 में जो करबला में लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल है ये उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ आ गए थे? हाँ वहाँ आ गया था। उस समय लेप्रोसी मिशन बहुत बड़ा था, बहुत वहाँ रहते थे मरीज लोग, डॉक्टर वो थे सलवानागे और एम लॉरेंस मैनेजर थे और लोग भी थे, सिस्टर थी चंद्रा सिस्टर, रेबका सिस्टर, ये लोग सब लोग वहाँ देखाभाली करते थे। आप कितनी जल्दी आपको इलाज मिला, कितनी जल्दी आप सही हो गए? मैं कम से कम वहाँ 12 साल रहा। 12 साल रहा, इस दौरान आपका इलाज चला? हाँ इलाज चला, कम से कम 5-6 साल में तो इलाज बैठ गया था मेरा, सही हो गया था। सही हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम बाहर जा करके कमा सकते हो। हाँ। तब हम लोग यहाँ आए। तो आपने फिर आपके अपना परिवार था उसको छोड़ कर आपको हॉस्पिटल में चले गए? हाँ वो परिवार को छोड़ करके हॉस्पिटल में आ गए। परिवार वालों ने ऐसा नहीं, मतलब उनको दिक्कत थी इस बात से कि आपको कुछ रोग है, या परिवार वालों की उनकी मर्जी के खिलाफ आप गए? उनकी उनसे मैंने कहा, वो बड़ा भाई था मेरा, बड़ा भाई से कानपुर में काम करते थे, बाल बच्चे वहीं रहते थे, तो मैंने 2-3 पत्र लिखे उसको, नहीं आया वो। उस समय पत्र चलते थे, मोबाइल वगैरह तो कुछ था नहीं, तो नहीं आए जब, तो फिर मैं अस्पताल आ गया यहाँ। आप अस्पताल आ गए? अस्पताल आ गए। और फिर सही होने के बाद आप यहाँ रहने लगे, आपने काम करने की कोशिश की कुछ रोज? काम किया, बुनाई की हमने, बुनाई की काम, हैंडलूम चलाया, शॉल बनाए और वो पंखे बनाए, कोट पीस वगैरह बनाए, हर काम किया हमने यहाँ। एक ऐसा दौर था वो जब कुष्ठ रोग के प्रति एक वो रहता था कि कुष्ठ रोगी है, फैलता है, डरते थे लोग। हाँ। तो जब आप सही हो गए उसके बाद लोगों ने कभी ऐसा पूछा आपसे कि डरे लोग, ऐसा हुआ या लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा? मैं फिर भी घर बराबर जाते रहता था, आते रहता था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि गाँव वाले जो पहले जानते थे कि इसको कुष्ठ रोग लग गया, जब मैं इलाज करके गया वो बुलाते थे मेरे को चाय पीने के लिए, यहाँ आओ घर में आओ, घर में आओ करके। तो कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं था। पर सबके साथ ऐसा अनुभव नहीं होता आपको लगता है? सबके साथ नहीं होता है, कई लोगों के घर वाले उन्हें नहीं एक्सेप्ट करते करते जैसे हमारे अभी हाथ पांव प्रभु की कृपा से सब सही हैं, तो जिनका हाथ थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं या पांव कमज़ोर हो जाते हैं उनसे लोग घृणा करते हैं, जबकि वो बीमारी उतनी नहीं सहती है। वो तो सही होने के बाद तो वो सहती नहीं, मैं इनके साथ बैठा हूँ। हाँ। और ये सभी लोग सही हो चुके हैं, इलाज हो चुका है, सही हो चुका है। हाँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जानिए इस बात को कि ये नहीं फैलती है, एक बार सही हो गई। हाँ। तो इसमें किसी तरह से डरने की बात नहीं है, परंतु फिर भी समाज में एक बात रहती है, हम कोविड के टाइम पे देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों को मानते हैं बीमारी के प्रति कि इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, जबकि वो पूरी तरीके से गलत और भ्रामक बातें हैं। तो ये उस दौर की बात है जब आज से 100-150 साल पहले इस बीमारी के लिए यहाँ पर एक एरिया बना और कालांतर में वो हुआ। हम मैम से बात करना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नंदी कनवाल है। नंदी जी आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 1989 से आई हूँ, करबला में आई, मेरी करबला में 1989 में आए। आपको भी कुष्ठ रोग हुआ? जी कुष्ठ रोग ही कैसे भी गर्म तो देवता पूछते हैं, हमको पता ही नहीं चला और मेरे हाथ खराब हो गए, घर से पता नहीं चला, देवता पूजा यहाँ आई, डॉक्टर साहब सलवा नायकम थे, उनने भी बोला कि तुम्हें बीमारी सरने की नहीं है, तुम अपने घर वालों के साथ रह सकते हो। तो जब मैं आई थी तो यहाँ, फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, उस समय तो मैं छोटी थी और तो मेरे को समस्या थी, मैं घर से निकल गई, मैं घर नहीं जाऊंगी, तो यहाँ मुझे भर्ती कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जो देवता की बात वो कह रहे थे वो गांव में एक ऐसा एक चलता है चलन, पहला पुराना चलन है कि कोई बीमारी हुई तो देवता का प्रकोप है, ऊपर की हवा है जिसे कहते हैं, वो सब बता रही है कि शुरुआत में इलाज नहीं मिल पाया इसलिए उनके हाथ पाँव को तकलीफ हुई और वो
वो खो गए, वरना समय पे इलाज अगर हो तो बहुत आसानी से बीमारी का इलाज हो सकता है। फिर आप हॉस्पिटल आए, का इलाज कब तक चला? इलाज उनने मेरे को उन्होंने कहा तुम्हारी तो बीमारी खत्म होगी, थोड़ी डीजीएस वगैरह देते थे और लैम्परेन जैसे और मिलती है ये रिएक्शन वाले को, वैसे मुझे नहीं दिया। उनने कहा तुम्हारी बीमारी सर नहीं है, तुम परिवार में रह सकती हो और तुम्हें कोई, मैंने कहा मैं रह तो सकती हूँ मगर मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। बहुत समय से मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं वहीं रही। वहाँ रहते हुए बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, डॉक्टर सलवा नायगम थे, लॉरेंस साहब थे और मैनेजर, और क्या बोलते हैं एस डी मसी थे, फिजियोथेरेपी अनूप जी थे, अनूप जी अभी भी हैं वहाँ करबला में, और उनके भाई बहुत सिस्टर थी मंजू सिस्टर, तो बहुत लोग हमारे साथ बहुत इतना अच्छा व्यवहार करते थे, हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने घर जाते हैं तो रोते थे वहाँ के लिए। आप वापस आने के, वहाँ इतना अच्छा व्यवहार होता था कि हाँ। आपको मन होता था आप वहाँ जाएं। कहाँ जाए, हम घर नहीं जा सकते थे वहाँ छोड़ के। मैं तो एक बार घर की, मैं इतनी रोगी, इतना प्यार मिला था। सिस्टर कहने की तू तो अपने घर जा रही, मगर हमें घर का जैसा, घर से भी अच्छा प्यार मिलता था यहाँ। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकले, यहाँ कब आए, इस इलाके में कब पसंद? मैं आई 98 में। 98 में, तब से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ 98 में तब से यहाँ रह रही हूँ। 98 में आई मैं और यहाँ फिर भर्ती हुआ, राशन पानी मिला, सब कुछ अच्छा हुआ। यहाँ भी अच्छा था मगर अब सब सूखा पड़ गया है यहाँ, पैसे की कमी के कारण। पैसे की कमी के कारण सब सूखा पड़ गया। अभी भी मेहरमान हुए हमें फाउंडेशन वाले दे रहे हैं राशन 1200 का, और पेंशन है हमारी 1200 रुपया देती है हमको। 1200 में क्या होता है, 1000 रुपये का हम गैस भरा लेते हैं, हमारे साग सब्जी। कितने लोग रहते हैं यहाँ बता सकते हैं? 11 परिवार है। 11 परिवार जी। आपके परिवार जो था जब आप वहाँ से आई, तो आपके परिवार में आप वापस जाके वहाँ नहीं रही, जो जिस परिवार से आप आए थे? जाते रहते रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं, रहते हैं जाने जाते हैं, हमें आदत यहीं पड़ गई। अब आपको अपने साथियों की आदत पड़ गई, उनके साथ रहना अच्छा लगता है? यहीं बकरी वकरी पाले, अपने गुजारा हम यही कर लेते हैं। घर से भी आते हैं वो भी ऐसा नहीं मानते हैं, वो सही, उनका कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आते हैं रहते हैं। अभी परसों मेरी दीदी जी है यहाँ से, भाई आता है और हम भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार से कोई मदद मिलती है जब कोई दिक्कत है? जब मिलती थी, मेरे भाई मेरी मदद करते हैं, अभी भी करते हैं, घर से खाना पीना घर का खर्चा लाते हैं, पैसे टके की भी मदद करते हैं। और आप लोग आसपास के जो लोग हैं उन लोग का व्यवहार अच्छा रहता है? उन लोगों का भी पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर है। हाँ बेहतर है, पहले तो बहुत करते थे हम, दुकान वकान जाते थे ऐसे खुले आम नहीं जा सकते थे, मगर फिर भी बहुत बेहतर है, पहले से नहीं करते ऐसा, तो अंतर हो गया लोगों में, अंतर आ गया जी। तो आपने ये देखा कि स्थिति में वैसा परिवर्तन तो है, लोगों का मनोभाव बदल चुका है, वो उस तरीके से नहीं, स्टिग्मा नहीं है, अब कम है। या वो बता रहे थे ऊपर जब हमें मिले, उन्होंने बताया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान ले जाने में, जो क्योंकि गांव के इलाके में वो पड़ता है, तो वहाँ के लोगों में अभी उतनी जागरूकता नहीं है, पर शहर के लोगों में वैसा अब स्टिग्मा नहीं है। और आप देख रहे हैं हम यहाँ आराम से घूम रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। बेटा आपका नाम क्या है? सागर। सागर, सागर आप यहीं रहते हो? क्या उम्र है आपकी? 12 ईयर ओल्ड। 12 साल। आपका बेटा है सर? ये नाती है आपका? अच्छा, ये आपका नाती, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। स्कूल जाते हो? कहाँ है स्कूल? हीरा डुंगरी। हीरा डुंगरी। सर मैं पूछना चाहूँगा, क्या इनके पिता को, माता पिता को कुष्ठ रोग था? नहीं। इनके नहीं था, बस आपके, इनके आपके बेटे, आपको हुआ पर आपके बच्चों को नहीं हुआ, और फिर आगे कहीं कुछ नहीं फैला। तो मेरा क्वेश्चन ये पूछने का कारण ये था कि जो व्यक्ति की आगे की जनरेशन है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि उनको कुछ रोग हुआ है, वो जनरेशन आगे नॉर्मल चलती रहती है। थोड़ा सा सर ये बताएंगे, अगर हम ये संदेश किसी व्यक्ति तक पहुँच रहा है जो यहाँ मदद करना चाहे, तो कैसे मदद करेगा? मदद तो अभी ऐसा है, कुष्ठ रोग तो नहीं है, सब सामान्य हो गया है, जगह जगह पर हर कुष्ठ रोगों का इलाज भी हो गया है। और अगर कोई मदद करना चाहता है, जैसे दान देने के लिए कई लोग आते हैं, कोई बना करके लाता है, कोई कोरा राशन दे जाता है, हर एक दान दे सकते हैं यहाँ। रोजगार की आपकी कोई व्यवस्था आप चाहते हो कि हो जाए, आप कोई काम करना जानते हो वो हो जाए? रोजगार यहाँ हो तो और बढ़िया रहता है। किस टाइप का रोजगार यहाँ हो सकता है? और तो रोजगार हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है, उनको तो करने पर। आप बता रहे थे कि आप काम करते थे पहले, ऊन का काम करते थे, काश्तकारी का काम? हमने शुरू शुरू में कताई करी, कताई करके हमने बुनाई सीखी,
बुनाई में खड्डी वगैरह चलाई, हैंडलूम वगैरह, उनमें कपड़ा बनाया। कपड़ा बना करके यहाँ से पहले हमारा फर्स्ट आता था यहाँ। अब फिर मुक्तिदाता ने वहाँ पताल देवी खोला तो सब लोग वहाँ चले गए पंचाचुली में। अच्छा, पंचाचुली में गए, वहाँ से फिर अब उन्होंने पंचाचुली पूरा नहीं कर पाया तो हंस फाउंडेशन वालों ने ले लिया उसको। अब हंस फाउंडेशन में ऊपर डीना पानी में काम चल रहा है, वहाँ काम कर रहे हैं लोग बाग, तो हमारी ही कंपनी के हैं वो अभी। पर हमको जो 60 साल से 58 साल से ऊपर के हो गए उनको सबको रिटायर कर दिया उन्होंने। अच्छा, जब आप उम्र हो गई तो रिटायर कर। काम तो आप अभी भी कर सकते होंगे? काम तो कर सकता हूँ अभी भी, पर उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। समझ गया मैं। तो नज़र उसमें काम करने में क्या है, आँख हाथ पाँव और दिमाग चारों चारों तरफ बराबर चलना चाहिए तब काम सही होता है। आपके कितने बच्चे हैं? ये लड़की ये लड़का है। क्या करते हैं वो? बस लड़का तो ऐसे ही है, खाली आवारागिरी करता है। लड़की की शादी हो गई। शादी हो गई, उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे हो गए बल्कि। तो आपके बेटे को अगर रोजगार की व्यवस्था हो यहाँ, और आपको अगर ऐसा लगता है आपका बेटे की और दिक्कतें हैं तो और लोगों के बच्चे भी होंगे? उन बच्चे बहुत हैं, बहुत है बच्चे, बहुतों के बच्चे हैं। कोई रोजगार करता है उनमें से? रोजगार किनका? आपके बेटा रोजगार करता था? करता था अब वो उसका 60 साल गए और नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा, नहीं चल पा रहा। कर रही मैं, रिटायर हो गया वो भी। क्या काम करते थे वो? वो मालीगिरी करता था, उनको भी रिटायर कर दिया। तो फूल का वगैरह वगैरह माली काम करता था, अब चल ही नहीं पा रहा। तो आपने देखा पहले से व्यवस्था बेहतर है, परंतु वो एक सामान्य जीवन जो जिस जीवन को जीने के लोग अधिकारी हैं, क्योंकि बीमारी नहीं है अब, केवल बीमारी थी जो ख़त्म हो चुकी है, जो सही हो चुकी है, लोगों का इलाज आसानी से संभव है। तो पीछे अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, हम वो अब एरिया दिखाएंगे आपको जहां सर ने बताया था कि वो गुफाएँ थी। ये जो एरिया है अब दब चुका है काफ़ी, उधर साइड को थोड़ा बाएँ देखेंगे, यहाँ रहते थे, ये गुफा है वो, हाँ। जहाँ ये लोग रहते थे पहले, आज से पहले। कुछ स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, लेकिन कब तक वो एक लगातार की लाइट कट गई है। तो आपको बार बार विधायक के पास जाना है, नेता के पास जाना है, नगर पालिका जाना है, और बार बार वो परिस्थितियाँ उस तरीके से आ जाती हैं कि आपको एक आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है। तो ऐसा हम सरकार से कह सकते हैं या जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे कह सकते हैं कि कुछ परमानेंट व्यवस्था बनाई जाए। बेहतर है कि रोजगार की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि बिना रोजगार की व्यवस्था के, चाहे आप बकरी पालन करते हैं इसी का कुछ रोजगार हो सकता है, गाय दूध का रोजगार आप कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ काम आप काश्तकारी करना जानते हैं तो अपनी आगे की जनरेशन में सिखा सकते हैं, ये सब काम यहाँ संभव है। और अगर ऐसे काम हो तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत पुरानी, ये हिस्टोरिकल स्टोरी इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुराने इंडिया में अल्मोड़ा में जो लेप्रोसी की समस्या थी उसको लेकर हेनरी रैमजे ने 1835 में करबला में हॉस्पिटल की शुरुआत की और तब से वो मिशन हॉस्पिटल चलता रहता है। उसकी भी स्टोरी थोड़ी ऐसी है कि वो बीच में कई बार बंद होने की कगार में आया। हमारा जिले में एक हॉस्पिटल, हम जाएंगे कहाँ? पूरे जिले में एक हॉस्पिटल है लेप्रो, तो हमें वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है। वो लोग पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार था, करते थे, भर्ती करते, परसों हम गए थे उनने मना कर दिया, हम भर्ती नहीं कर सकते, आप लोग आओ इलाज करो, हम यहाँ से जाएंगे पैदल कब पहुँचेंगे, खर्चा नहीं होता है, गाड़ी की समस्या है। कितना दूर है यहाँ से? है कितना होगा, 7-8 किलोमीटर? 7-8 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है जहाँ पैदल जाना पड़ता है। और वो हम कमज़ोर, हमें ताकत नहीं चलने फिरने की, वो देखो ऐसा विकलांग है बेचारा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? तो हमें अस्पताल की खास ज़रूरत है। और यहाँ पर भी जब हमें, हमारे वहाँ डॉक्टर आते हैं, उनको दवाई देते हैं हमें, और यहाँ काम, हमारे को काम यही मिल जाए, हम यही काम कर लें। हमारे पास बहुत बड़ा हॉल पड़े हैं, जो पहले जिसमें पंचाचोली चलती थी पहले, तो वो खाली बंजर पड़े हैं, उनमें काम होना है, हम काम करने के योग्य हो समझते हैं अपने को, हम बैठ के क्या करेंगे, रोज़गार तो करना है कुछ ना कुछ। पेंशन भी 1200, इतने सालों से 1200 पेंशन है हमारी, हम गैस, वही तो मैंने बताया गैस 1000 की हम गैस भराते हैं, तो 200 से हमारा क्या काम चलेगा,
पेंशन बड़ी नहीं थी हमारी। हजार रुपया तो हम गैस भरने के लिए चले जाते हैं। गैस भरने में चले जाते हैं। वो तो हम जानते हैं। अंड फाउंडेशन वालों का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रगुजार है। वो हमें 1200 का राशन देता है, हम खाते हैं और कंट्रोल का मिलता है। मोटा अनाज, मोटा अनाज वो मिलता है। गाय बकरी कभी छांट छूट करे भी 7-8 किलो बढ़ता है। तो इसलिए हमें रोजगार चाहिए। रोजगार जो कर सकते हैं हमारे भाई बहन है, बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं यहाँ पर, वो कर सकते हैं ना। और तो हमारा रोजगार बैठ के करने से क्या है, रोजगार जब हम करेंगे जीवन चलेगा हमारा ना। रोजगार इसलिए ज़रूरी है कि वो आत्मसम्मान भी उनको मिलेगा, बार बार उनको जाके बोलना नहीं पड़ेगा। आप कहना चाह रहे हो कहीं नहीं बोलना नहीं पड़ेगा ना। हमें दुख होता है जब हम ऐसे लोगों को देखो चलते, हमारे तो पैर थोड़ी सही है हाथ, फिर भी हम कर लेते हैं। मैंने बकरी पाल रखी है। आपने बकरी पाल रखी है? कब तक मैं बकरी पालूंगी, कितनी मुश्किल होती है। पहले तो हम जवान थे, अब तो उम्र हो जाए, जगह जगह से तार बार कर दिया है। हम कहाँ जाएंगे, बाघ आता है, कुत्ते आते हैं, बहुत नुकसान होता है। मगर पाला हुआ चीज़ अच्छी लगती है ना, कष्ट करना पड़ता है हर चीज़ में। तो हम कष्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे नहीं करें, मगर जो यहाँ पर एहसान हो, कोई परमानेंट काम हमें मिले, उसमें हम राजी। एक ये बता रहे हैं कि यहाँ हॉल है, पहले पंचाचूली नामक एक शॉल आदि काश्तकारी का काम उसमें होता था, वो था यहाँ पर, वो काम बंद हो चुका है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। ये लोग वहाँ पैदल नहीं जा सकते हैं, एक उम्र के बाद उन लोग को काम नहीं मिलता है। अगर यहाँ काम हो रहा होता तो उनका बेटा या बेटी उसी काम को सीख सकते हैं, सीख सकते हैं आराम से, और वो उन्हें रोजगार भी मुहैया कराता और उनको आत्मसम्मान भी दिलाता। खासकर जो वृद्ध लोग हैं जिसमें आप कोई दिक्कत नहीं है बीमारी की, परंतु उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, वो चल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थितियों में रहना पड़ता है जहाँ छोटे छोटी चीज़ों से गुजारा करना पड़ता है। और उसमें भी ये स्थिति डर है कि बिजली किस दिन कट जाएगी पता नहीं, क्योंकि बिजली के बिल में कोई अंतर नहीं है, वही बिल इनको भी देना है जो एक सामान्य घर में जब बिल आता है। पानी का वही बिल इनको भी देना है, अगर सिलेंडर 1000 का हुआ है तो इनके लिए भी हुआ है। तो आपको केवल राशन मिलेगा, वो भी मोटा अनाज, और आप उससे काम चला पाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। और बहुत बिल्कुल, और लोग तो बोझा लेके आते हैं। मैं कल ही 2 बार गिर गई हूँ, मेरे कमर में दर्द है, दूसरों से मैं कर मांगती हूँ अपना काम पानी का। वो बता रही है कि नगर पालिका ने पानी की व्यवस्था की है, पीछे हम आपको दिखाएं अगर, तो यहाँ बाथरूम बना रखे हैं, जो पहले कच्चे बाथरूम हुआ करते थे वो सीमेंटेड बना दिए गए हैं, लेकिन ऊपर सिंटेक्स भी बनाई है जिसमें टैंकी है, लेकिन नल बना रखे हैं प्लास्टिक के, जो काफ़ी जगह टूट चुके हैं। इस वाले में हम देखेंगे तो ये नल यहाँ टूट चुका है। तो ये पानी की टैंकी होने के बावजूद यहाँ पानी भरने के लिए उनके हाथ नहीं काम करते हैं, और उनको उठा के यहाँ पानी लाना पड़ता है। और वो बता रही हैं कि दूसरों से बार बार कहना पड़ता है उन्हें पानी के लिए। तो एक व्यवस्था बना दी गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें डिग्निटी नहीं है। और वो स्थिति वही है, ये नल लगा हुआ है पानी का, जिसमें टैंकी से पानी आता है, लेकिन इतना पतला पतला कि उन्हें वापस ऊपर जाकर ये सब बर्तन उन्होंने इसीलिए इकट्ठा कर रखे हैं, आपको दिख रहे हैं जो ये बर्तन इसीलिए इकट्ठा है कि इनमें उनको पानी लाना पड़ता है। और हर व्यक्ति यहाँ पानी लाने के काबिल नहीं है, किसी एक पर डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंसी परेशानी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है, चारा नहीं है। मदद करने की कोशिश लोगों ने की है, एनजीओ ने की है, संस्था ने की है, लेकिन ये टेम्परेरी व्यवस्था में व्यक्ति का जीना उसको, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, जबकि वो लोग वैसे ही नागरिक हैं जैसे हम और आप हैं, और वो लोग वैसे ही जीते हैं जैसे हम लोग हैं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी उन्हें एक रोग हो गया था, इस वजह से उन्हें इन व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है, जो कि फिर बार बार कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर है, लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं कि व्यक्ति एक डिग्निटी की लाइफ जी सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो लोग, जो अधिकारी इस समस्या को देख रहे हैं हमारी उत्तराखंड चुनाव यात्रा में, वो समझें कि जो चुनाव है वो इन परिस्थितियों या इन लोगों की, जो बिल्कुल समाज का दबा हुआ तबका है, जिस समाज में सबसे तकलीफ वाली जिनकी स्थिति है, उनके साथ उनके लिए काम होना चाहिए, उनके लिए बात होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि अधिकारी या जो भी लोग यहाँ मदद करना चाहें, मैं उनसे एनजीओ का नाम अभी पूछ लूँगा, और आप अपनी तरफ से अगर कोई मदद करना चाहें, मदद हो भी रही है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन और करने की ज़रूरत है।
इस हॉल की बात कर रहे थे जहाँ लोग काम कर सकते हैं, यहाँ बुनाई की, ताने बाने की सब मशीनें रखी हुई हैं। सर ये मशीनें यहाँ हैं, इसमें काम होता है? जी, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग चली थी 3 महीने की। जब ये मशीनें आई थी तो वो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हमारे कपड़ा मंत्री अजय टमटा जी द्वारा भेजी गई थी यहाँ पर जो है, तो केवल जो है ट्रेनिंग हो पाई, उसके आगे काम नहीं चल पाया। ट्रेनिंग करके घर में बैठना पड़ा क्योंकि जो है हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है। जिन मंत्री जी ने रॉ मटेरियल ये मशीनें दी, उनसे रॉ मटेरियल के लिए कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, वो केवल उतना ही मटेरियल भेजते हैं जितना ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, और ट्रेनिंग के बाद जो है जो कपड़ा बनाया जाता है उसको भी वो वापस ले जाते हैं। और इनको जो है मेरे ख्याल से 3750 रुपये महीना मिला था ना ट्रेनिंग के समय, 3750 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का पेमेंट दिया था। तो आप देख रहे हैं 3750 रुपये मिले ट्रेनिंग के लिए, उसमें सब कुछ आया, सामान सब बना, जो बना वो वापस चला गया, ट्रेनिंग ख़त्म हुई, पैसा दिया गया, वापस चला गया। उसके आगे ये काम आगे बढ़े। ये देखिए नई ये बुनाई की मशीन लगी हुई हैं, कताई की मशीन लगी हुई हैं, लेकिन इनमें सब कुछ है। यहाँ धागा भी लगा हुआ है एक मशीन में, और ये भी सर बता रहे थे कि इनकी खुद की मशीनें थी जो इन्होंने दी। अगर यहाँ दिखा सकें, ये जो मशीनें हैं ये इन्होंने खुद दी हैं। जी सर, तो आपके पास कितनी मशीनें थी तब? मेरे पास 4 मशीनें थी, जिसमें से एक खराब हो गई, अभी वर्तमान में जो है 3 मशीनें लगी हुई हैं। ये धागे का आपको, मान लीजिए आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि आपको ये धागा प्रोवाइड कर दिया, क्या क्या आपको चाहिए, कितने पैसे उसमें लगेंगे, अगर पूछा जाए तो ये कितने का, यहाँ पर अगर दोबारा शुरुआत होनी है, लोगों को काम आता है, तो इसमें कितना सामान लगेगा? जी, इसमें हमको लगभग जो है, हमने पिछली बार प्रोजेक्ट बनाया था जो है DM साहब को दिया था, हमने कहा था सर या तो हमको अनुदान में या बहुत कम ब्याज में जो है 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हमारा काम स्टार्ट हो सके, क्योंकि 6 महीने तक तो हम लोग जो है प्रोडक्शन करेंगे, जब तक मार्केट में जाएगा तब तक हमको उसी पैसे से काम चलाना है, उसी फंड से काम चलाना है, उसके बाद मार्केट में जाएगा तो फिर हमारा हाथ चल जाता है, पैसे फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी मांग है इस प्रोडक्ट की जो बनता है, ये बाजार में बिकता है? जी हाँ, इसकी मांग है। हम गांधी शिल्प बाज़ारों के माध्यम से, और वहाँ हमको बायर्स भी मिलते हैं, जब लोगों को पता चल जाता है तो हमें ऑर्डर भी मिलते हैं। पहले काम होता था कह रहे थे आप? हाँ, पहले बहुत अच्छा शुरुआती यहाँ से हुई है, पंचाचूली यहाँ से बना हुआ है पूरा। लेकिन वो गए क्यों, आप ये बता सकते हैं? जी, पंचाचूली ख़त्म होगी ना बिल्कुल ही जो है, वो उन्होंने पंचाचूली भी सेल कर दी ना, वो किसी और ने खरीद ली है, और जब उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया तो ये लोग वहाँ जा नहीं सकते थे पैदल, ये प्रॉब्लम थी। गांव वालों के लिए तो उन्होंने बस की व्यवस्था कर दी, वहाँ रोड थी, यहाँ कुछ नहीं था उस समय, यहाँ से पैदल जाना है इनको। कितने लोग हैं जो कताई बुनाई का काम कर सकते हैं? यहाँ लगभग जो है 10 लोग सारा काम कर लेंगे। बागेश्वरी चरखे भी, हमको कुछ बागेश्वरी चरखे खरीदने पड़ेंगे, ये लोग घर में बैठ के ऊन कताई कर सकते हैं। उस समय 1 किलो की कताई के जो है हमको 100 या 110 रुपये मिलते थे, अगर महीने में 15 किलो भी आदमी काट दे 1,500-2,000 उससे आमदनी हो सकती है उसकी आराम से जो है। और जो शॉल बनाते हैं उनकी सैलरी भी हो सकती है, नहीं तो 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये पर शॉल के हिसाब से भी दिया जाए तो वो 200-300 आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा, और उनसे इनकी आमदनी भी हो जाती है कह रहे हैं? आमदनी भी हो जाती है सर, और माल भी बढ़िया रहता है, लोग जो उसके जानकार हैं उसको खरीदते हैं, क्योंकि पहले हमारी दुकानें भी थी यहाँ पंचाचूली की जो है नैनीताल में थी, यहाँ थी मसूरी में थी, देहरादून में थी, तो हमारा अच्छा चलता था। ये कब से पड़ी हैं ये मशीनें? ऐसे मशीनें सर इसको तो अब 2 साल होने को हो गए। 2 साल से पड़ी है तो ये तो लकड़ी है, खराब हो जाएगी वक्त के साथ? नहीं, ये खराब नहीं है। खराब होने वाली लकड़ी नहीं है, मतलब इसका मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था है कुछ? हाँ जी हाँ, ये क्योंकि अंदर रखे, हाँ केवल पानी से बचाना पड़ता है क्योंकि छत है, तो दूसरी चीज़ इसमें लाइट लगानी है, लाइट नहीं है हमारे पास जो है, बिल्कुल लाइट अस्त व्यस्त हो रही है, बगैर लाइट के ये काम नहीं होता, दिन में भी एक बल्ब जलाना जरूरी है इसमें। बैंक से लोन की बात कभी हुई हो या किसी और सोर्स से आपने कोशिश की हो? एक तो नेता के आप जाएंगे पास की सर मदद कर दीजिए, कोई ऐसी कोशिश हुई जिसमें फंडिंग की किसी से सर, बात हो? बैंक का ऐसा होता है कि वो सामूहिक में तो देते नहीं है, व्यक्तिगत रूप से देंगे, सामूहिक में यहाँ वो देंगे नहीं। क्या कहते हैं मना करते समय? वो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से लीजिए, और व्यक्तिगत रूप से लेने में हर कोई डरता है, 10 लाख रुपए का लोन है। ये मैं समझाना चाहूँगा, लायबिलिटी का इशू है बैंक के लिए, ये इशू रहता है कि लायबिलिटी किसी की बनी रहे, सामूहिक रूप से लोन लेने में लायबिलिटी सब में बढ़ जाती है जो बैंक नहीं चाहता है, तो
तो वो इसी बात को बता रहे हैं कि सामूहिक रूप से आप जब लोन लेना चाहेंगे, सामूहिक रूप से काम करना चाहेंगे, तो वो संभव नहीं, वो नहीं, आसानी से नहीं मिलता, एटलीस्ट इतना तो है ही। आपने ये सब एरिया हमें दिखाया, ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सॉल्व हो सकता है, रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, हो सकती है। बीच में डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि मछली पालन के लिए कुएं खोदेंगे यहाँ पर, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई हुई। जिला पूर्ति अधिकारी आए थे, राशन वाले आए थे और सीडीओ साहब आए थे कि यहाँ जो है हाईटेक लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। फिर अभी तक ये लोग सिर्फ एनजीओ, खुद एनजीओ है, दूसरे एनजीओस की हेल्प पे डिपेंड है राशन के लिए, कोई कभी पैसे देने आ गया तो उस तरह से मदद हो जाती है, कभी कभी नगर पालिका भी लैट्रिन बना देगी, टॉयलेट बना देगी, ये सब होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन व्यवस्था ठप ठप दिख रही है आपको यहाँ पर। सामान सब कुछ है, वो रील हैं अगर आप देख सकें, वो इसमें इसमें धागा बुना जाता है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें धागे की कताई होती है शायद। ये बागेश्वरी चरखा है जिसमें धागे की कताई होती है, वो धागा बना हुआ है अलग अलग रंग का, और इन सब में शॉल, चादर, ये सब चीज़ें बुनाई आराम से हो जाती है। तो इन सब स्थितियों में अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, अगर कहीं से मदद मिल जाए तो एक पूरी रोजगार का, एक शहर की पहचान का, ये सब कुछ हो सकता है। परंतु जैसे हमारा यहाँ पर जो है एनजीओ है, उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे एनजीओ के पेपर पड़े हुए हैं, फंड नहीं होने की वजह से हम उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आईटीआर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है सीए से, और जो है ऑनलाइन करा दिया गया है, ऑनलाइन के पैसे देने हैं, टाइपिंग के पैसे देने हैं, उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से 5,500 या 6,000 के आसपास जो है फीस पड़ती है, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो बिल्कुल जो है, तो हमारे एनजीओ भी अभी रिन्यू करानी है सर। फंडिंग की मुख्य समस्या यह है कि फंडिंग की, तो आपको अगर इनको बैंक का लोन मिल जाए, अगर इनको सरकार से एक अनुदान मिल जाए, तो ये समस्या, मैं ये नहीं कहूँगा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, वो सब चीज़ें भी सरकारी हिसाब किताब दिक्कत भरा होता है, वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता, परंतु ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे जड़ से शुरू करना है। यहाँ बना हुआ स्ट्रक्चर है, इनको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत मिले, जो पहले होता था काम वो दोबारा हो सकता है, वो शहर की पहचान भी बनेगी, इन लोग का काम भी बनेगा, आसपास एक उद्योग को, जो पहाड़ में उद्योग की समस्या है, वो इनका आसपास के लोग भी यहाँ काम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है? कर सकते हैं, करते हैं, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसका जो है वो अपना पैसा लेके जाएंगे, और जो फ़ायदा मिलेगा वो जो है संस्था के कामों में इस्तेमाल होगा यहाँ के। अच्छा, जैसे बाहर की कोई महिला आती है, वो यहाँ पर काम करती है, वो जो है 10,000 का काम कर रही है और हम उसको सैलरी में 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो बाकी 5,000 रुपये जो है यहाँ संस्था के कामों में इस्तेमाल होते हैं। जिस हिसाब से यहाँ लोकल पहाड़ की महिलाएं हैं, उनके लिए एक अच्छा सौदा है कि अगर आप दिन में कुछ समय यहाँ बिता सकें और यहाँ काम कर सकें, तो उनका काम थोड़ा रोजगार भी पैदा हो जाता है, एक इनकी मदद भी हो जाती है, और जब काम आगे बढ़ेगा तो उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। मुझे जैसा लगता है कि ये इतना सब कुछ आपके पास है तो इसको आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बस मेन दिक्कत है फंडिंग की। तो अपनी बातचीत को हम यहीं पर रुकेंगे। आप देख रहे थे कि किस तरीके से ये समस्याएँ हैं, परेशानियां हैं, वो लगभग हरी जगह की है, लेकिन अगर ऑफिस हम देख सके तो। बिल्कुल बोलिए। फिर मैं जा रही हूँ जंगल को। बिल्कुल बताइए। ऊपर हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ डॉक्टर आते हैं, वहाँ भी यही हालत है, छत पूरी टूट गई, पूरी जो सीमेंट है नीचे गिर जा रहा है। डॉक्टर आते हैं जी, दवाला जी आते हैं, और सरकारी तरफ से, आप सरकार की तरफ से आते हैं जी, और डीएम साहब भेजते हैं, और एक है उधर हमारा नाला है, जो रास्ता है वो रास्ता पूरा बंद कर दिया हमारा, बाहर के कूड़ा फेंकने वालों ने, गाड़ियाँ आती है लाशिकल लगता है वहाँ, और वो कूड़ा वहीं रहता है, हमारी सब गाय बकरी खा के बीमार पड़ जा रहे हैं उसमें। हमारा रास्ता आप ऊपर को जाते में देख सकते हैं, हम ज़रूर देखना पसंद, आप बताइए जी। तो वो साफ हो जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए, हम बहुत दिक्कत से ऊपर में जाते हैं, पुल है वहाँ पर उस पास में, बहुत ही गंदगी कर रखी है वहाँ, जाने में भी इतनी कितनी उल्टियाँ आ जाती है, ये सब बाहर के रोग ला के वहाँ पर करते हैं, गाड़ी भी आती है, कूड़ादान भी उसमें कूड़ादान में डाल, रोड में डाल रखा पूरा, आप उसको भी बता दीजिएगा। और एक सिस्टर है पार से, वो भी बुला रही है आपको जी। जरूर 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 मिलेंगे। मैं यही, आप देख रहे हैं कि वो जो समस्या हर जगह की है वो यहाँ भी है, लेकिन कोई सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग पहले से परेशान है। ये इनका ऑफिस है जो हम देखना चाहेंगे, ये इस एनजीओ का ऑफिस है, और
यहाँ कुछ कटाई बुनाई का ये मफलर मफलर हल्के छोटे लंबे मफलर बने हुए हैं अलग अलग कलर के। सर ये मफलर ही हैं क्या चीज़ है ये? ये जो है अभी सैंपल पीस है जो जिला उद्योग केंद्र की तरफ से आया था। इसका पैसा जो है एक साल से अभी रुका हुआ है तो हमने भी सामान उनको दिया नहीं है। 50 रुपये मीटर के हिसाब से उन्होंने बोला था इसका पैसा आएगा देहरादून से, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, आपने बनाया, पैसा नहीं दिया उन्होंने? उन्होंने अपनी डिजाइनर भेजी थी, डिजाइनर ने काम वगैरह करवाया यहाँ पर जो है काम हम करवाया, लेकिन अभी वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे क्योंकि अभी फंड आया नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये हमने पहले यहाँ ये इस प्रकार के शॉल बनते थे, स्टॉल बनते थे, उसकी पिक्चर्स है जो पंचाचुली को जाती थी। बीच में हम इतने परेशान हो गए थे, हमने ये रोटी बैंक की स्थापना कर दी थी सर यहाँ पर कि रोटी बैंक हम लोग बनाएंगे और जो है हमको बाहर से के लोग आके हम खाना वगैरह दें तो हम वहाँ से ला करके इन लोगों को खाना वगैरह खिलाएंगे। ये हमने चंदे की रसीद छाप रखी थी और जो है इसमें एक चंदे की है और एक उसकी है कि कोई हमको राशन पानी भी देगा तो उसकी भी हमने रसीद अभी मैंने रखी है। शायद कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। तो उन्हों यही वो स्थिति थी जिसके लिए उन्होंने मना किया, आप बता रहे थे कि मना किया ऐसा मत करो करके। हाँ। और फिर आपकी मदद करेंगे करने को बोला, हालांकि आपको हंस फाउंडेशन की तरफ से मदद की व्यवस्था हुई, खाने की व्यवस्था हुई। हाँ, राशन का राशन की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो है बीच में हमको जूते चप्पल शोभा मैडम जोशी की वजह से जूते चप्पल कभी खाना कभी रजाई कभी कंबल वगैरह मिलते रहते हैं सर। थोड़ी बीच बीच में इधर उधर से भी मदद कराती हैं वो हमारी अभी भी जी। थोड़ी सी दिक्कत रोजगार की है, अगर व्यवस्था सही हो जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ संभावना है कि हो सकता है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आपको शायद थोड़ा अंधेरा दिखे, तो इन्होंने दिखा रहे हैं कि यहाँ सारा सामान है, सब कुछ है अवेलेबल। ये कुछ तागे हैं, ये तागों की सॉरी ये तागो की रील है, इसमें तोड़ करके जो है राशन भी यहीं पर दिया करते थे। किनको राशन? ये कुष्ठ रोगियों को सबको राशन जो है यहीं मिला करता था। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो तेल, चीनी, दूध, यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी तक मिलती थी, नमक, हर जरूरत की चीजें मिलती थी, लोग खुश रहते थे सर। अब दिक्कत है पैदा, अब बहुत दिक्कत है सर। 1200-1300 रुपए राशन में बताइए कितना मिलेगा? ये कोविड के कारण स्पेसिफिकली हुआ या कोई उससे पहले से? राशन की बजट ही उतना ही है तो उन्होंने नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे पहले सही था तो जो दिक्कतें पैदा हुई वो कब से शुरू हुई और क्या कारण है? पहले जो है जन जागरण समिति मुक्ति मैडम चलाती थी, लेकिन शायद पता नहीं सरकार ने क्यों हेल्प करना बंद कर दिया या फिर फंड आना बंद हुआ तो उन्होंने यहाँ क्लोज ही कर दिया फिर बिल्कुल जो है। अच्छा, तो वो फंड उन्होंने क्लोज किया तब से जो है सब कुछ यहाँ बंद हो गया फिर। जी जी, तो आपने सब देखा ये सब कुछ, यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन पहले स्थितियाँ बेहतर थी लेकिन अब स्थितियाँ और दिक्कत भरी हो रही हैं। ऐसी कुछ स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। शुक्रिया।